रोमन ये मत भूलना, हु द ओजी पॉल हेमन गाय, इस किसके साथ पॉल हेमन पहले था। तो गाइज आज सीएम पंग ने कुछ इस तरीके से रोमन रेंज के ऊपर शॉट दिए हैं। अभी स्मैकडाउन खत्म हुई है और गाइज इसके अंदर सीएम पंग ने मल्टीपल मैचेस को टीज किया है। इसके अलावा दोस्तों हे फिक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन ने फिर से अपना कमाल दिखाया। तो क्या कुछ हुआ आज के स्मैकडाउन में घटित, चलिए बात कर लेते हैं। मेरा नाम गौरव, आप देख रहे हैं WHG और गाइज आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। आज के स्मैकडाउन दोस्तों ट्रिब्यूट टू द स्पेशल दी, इसके अंदर फौजियों को दोस्तों डब्ल्यू वाले एक तरीके का ट्रिब्यूट दे रहे थे। जहां गाइज शुरुआत हम लोगों ने देखी थी बहुत सारे फौजियों के लिए एक गाना बजते हुए। दरअसल दोस्तों ये अमेरिका का राष्ट्रगीत है और ये दोस्तों वहां गाते हैं वॉर एंड ट्रीटी वाले, जो कि दोस्तों एक लड़का एक लड़की है वो गाते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है सबसे पहले US चैंपियनशिप की दोस्तों क्वालिफायर मैच। तो गाइज क्वालिफायर मैच हुआ है गाइज ड्रैगन ली एंड सेंटोस एस्कोबार का, और क्वालिफायर मींस दोस्तों टूर्नामेंट एक और इसका है फर्स्ट राउंड था। इसके अंदर दोस्तों सेंटोस एस्कोबार काफी अच्छा परफॉर्म किए, हालांकि दोस्तों मैच के मिड में हम लोगों को डोमिनिक मिस्टीरियो भी आते हुए नजर आते हैं, जो कि गाइज एक तरीके की डिस्ट्रैक्शन कॉज कर रहे थे। और गाइज इसका फायदा मिलता है सेंटोस एस्कोबार को, अंत में दोस्तों वो अपना फिनिशर लगाकर मैच को जीत जाते हैं। तो यहां दोस्तों सेंटोस एस्कोबार मैच में आगे क्वालिफाई कर गए और टेबल कुछ इस तरीके का है। लेकिन बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो डोमिनिक मिस्टीरियो है अपना नॉर्थ अमेरिकन टाइटल लेकर ड्रैगन ली के ऊपर जाकर टॉन्ट करते, कोई अटैक नहीं करते। तो गाइज यहां ड्रैगन ली ने भी कहीं ना कहीं दोस्तों हार ली है। और गाइज बात को डोमिनिक की, डोमिनिक दोस्तों उनके खिलाफ जो NXT में मैच होने वाला है उसे टीज किया। बात कीजिए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोग को देखी वो था गाइज हमारे रैंडी ऑर्टन का सेगमेंट, वो भी गाइज निक एल्डिस के साथ। निक एल्डिस के साथ दोस्तों जो इस सेगमेंट था ना काफी इंटरेस्टिंग था। इसके अंदर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है रैंडी ऑर्टन जाकर सीधे सीधे कंप्लेन करते हैं, ये चीज कहते हैं निक ये तरह कैसा मैच बना दिया है, मुझे डाल दिया है LA Knight के खिलाफ। कौन है LA Knight? मैं उस बंदे को बिल्कुल भी नहीं जानता और तेरे उसके साथ मुझे डाल दिया है अगेंस्ट ब्लडलाइन, जिस पर निक कहते हैं तुम उसे जान जाओगे। और इसके बाद दोस्तों कहते हैं कि पैसा दो, निक एल्डिस कहते हैं पैसा दो। रैंडी ऑर्टन दोस्तों उन्हें 100K देते हैं, निक एल्डिस कहते हैं कि फाइन 50 का था। आपको याद होगा लास्ट वीक उन्होंने RKO लगाया था निक को, तो $50,000 का जुर्माना था, लेकिन 1,00,000 दे दिए दोस्तों रैंडी ने। तो निक ने पूछा ये एक्स्ट्रा क्यों, जिस पर रैंडी कहते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, यानी कि नेक्स्ट टाइम भी RKO लगेगा निक को। बात की जाए इसके बाद क्यों, इसके बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट था वो था इस कोडी रोड्स का। एब्सोल्युटली दोस्तों कोडी रोड्स हमारे WWE के बेबी फेस है, टॉप बेबी फेस है, क्योंकि कोडी को बुलाया गया था। कोडी रिंग के अंदर आकर यही चीज कहते हैं कि आज मुझे बुलाया गया कि मैं रोशनी बिखेरूं इस पर्व पर। 21st एनुअल फंक्शन है हमारा ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स। अब फौजियों ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है और बुरी कंडीशन से हमारे नेशन को निकाला है, जिस पर हर कोई 200 USA की चैंट लगाता है। और फिर दोस्तों वहां जो कोडी रोड से वो क्लिप दिखाते हैं ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स की, और उसके बाद ये चीज कहते हैं कि बस वो यही कहने आ रखे आज कि वो काफी गर्व करते हैं अपने फौजियों पर। फिर US आर्मी ड्रिल टीम आती है जो कि गाइस बंदूक के साथ कुछ करतब दिखाती है। अब हम लोग जो अगली चीज देख रहे हैं वो है बॉबी लैशली का मैच। आज दोस्तों बॉबी लैशली को जैसी चैंट मिली है वैसे दोस्तों हमने लगभग 2-3 महीने में नहीं देखी थी। खास चीज क्यों थी, क्योंकि गाइस बॉबी लैशली भी एक फौजी रहे हैं, बॉबी लैशली भी दोस्तों जनरल रहे हैं फौज में, दोस्तों उन्होंने काफी टाइम व्यतीत किया उसके बाद दोस्तों रेसलर बने। तो इसीलिए दोस्तों हर कोई बॉबी लैशली के नाम की चैन लगा रहा था। लैशली ने भी अच्छी खासी स्पीच दे दी थी मैच से पहले, मैं ऐसा केरियन क्रॉस के खिलाफ, एब्सोल्युटली टेरिबल मैच फॉर क्रॉस। क्रॉस दोस्तों लिटरली आज अपना पूरा मोमेंटम खो गए हैं, काफी टाइम से टीज कर रहे थे कि किसी पर अटैक करेंगे, लेकिन गाइज अटैक मेरे हिसाब से कभी नहीं होने वाला क्योंकि क्रॉस गंदे तरीके से आ रहे हैं। लैशली ने स्पीयर मार के उन्हें आधा कर दिया और इस मैच के अंदर दोस्तों बॉबी लैशली जो है जीत गए, वो भी आगे क्वालिफाई कर गए और टेबल अब ऐसा दिख रहा है। रही बात उस मैच के बाद की, तो गाइज मैच के बाद हम लोगों को वहां स्ट्रीट प्रॉफिट वाले आते हैं और मॉन्टेज को भी दोस्तों काफी अच्छे से वहां चैट सुनने को मिलती है क्योंकि मॉन्टेज भी फौजी रहे हैं। बात की जाए इसके बाद, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा बेली के साथ दुर्व्यवहार, बेली के साथ दोस्तों कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ बैक स्टेज। दोस्तों जो डैमेज कंट्रोल की मेंबर थी वो हाइपअप हो रही थी, बेली आ जाती है, बेली के साथ दोस्तों वो ढंग से नहीं घुलते मिलते और बेली कहती है कि लास्ट वीक के लिए सॉरी, मैं बिन बुलाए आ गई थी, लेकिन अभी यानी कि आज के मैच में मैं होना चाहती हूँ रिंग साइड पर, जिस पर ये सभी बेली को मना कर देती है, यानी कि रिंग साइड पर तुम्हें नहीं दिखना है, हम वहां रहेंगे तभी ठीक रहेगा, ये चीज डकोटा गाई कहती है। CM Punk is coming to the ring and guys WWE वाले जो है वो CM Punk को काफी हाइप किए थे और CM Punk दोस्तों आज के स्मैकडाउन में आकर जो कुछ कहे सच्ची में जो हाइप थी वो वर्थ इट थी, क्योंकि CM Punk ने दोस्तों लिटरली लंका लगा दी अपने पूरे के पूरे सेगमेंट में और AEW वालों की खासकर उन्होंने सुलगाई है।
तो क्या कुछ कहते हैं सीएम पंक, सीएम पंक आते हैं और सीएम पंक दोस्तों ये चीज कहते हैं कि अभी 9 बजे रखे हैं यानी कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, शो के एंड में मैं नहीं आया हूं तो आज मैं अपना प्रोमो पूरा कर सकता हूं। यानी कि लास्ट टाइम उनके प्रोमो को कट किया गया था आधे में से, जिसके बाद वो कहते हैं कि देखो एडम पेयर जो है मुझे साइन करना चाहता है रॉ में, हर कोई करता है बू। फिर सीएम पंक कहता है मुझे लगता है रॉ में ज्यादा चैन लगेगी, जिसके बाद लोग चैन लगाते हैं स्मैकडाउन की। और उसके बाद पंक पूछते हैं क्या मुझे स्मैकडाउन में जाना चाहिए, लोग कहते हैं ये। और उसके बाद पूछते हैं क्या मुझे रॉ में जाना चाहिए, जिस पर लोग करते हैं बू। और उसके बाद सीएम पंक कहते हैं वेल ये तो टाइम में बताएगा, क्योंकि मैंने सभी को मौका देना है और इस समय रॉ के अंदर मैं जब जाऊंगा तो मैं स्मैकडाउन को भी साइन कर सकता हूं, रॉ को भी, इवन शॉन माइकल्स की भी मुझसे बात हुई है तो मैं एनएक्सटी में भी जा सकता हूं। बट आगे जो उन्होंने चीज कही वो काफी क्रेजी थी। वो चीज कहते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है कोडी, जो कि कहता है कि आप किस पर बात करना चाहेंगे, लेकिन मैं कहूंगा आप किसके बारे में बात करना चाहेंगे, तो आप किसके बारे में सुनना चाहते हैं मुझसे। जिसके बाद दोस्तों वो कहते हैं क्या आप कोडी के बारे में सुनना चाहते हैं या फिर उस बंदे के बारे में सुनना चाहते हैं जो कि आज है ही नहीं, रोमन रेंस। और हर कोई चैन लगाता है वहां गाइस सीएम पंक की। और फिर सीएम पंक आगे कहते हैं रोमन रेंस हा वेल मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूं, जो कुछ तुमने रिंग के अंदर पुट किया है आई एक्नॉलेज यू, बट ये मत भूलना कि असली ओजी गाय कौन है, कौन असली पॉल हेमन गाय रहा है। तुमसे पहले पॉल हेमन मेरे पास हुआ करता था, तो ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना। आगे दोस्तों वो बात करते हैं ओवंस की, और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं दोस्तों ब्लड लाइन के मेंबर्स जैसे कि जिमी की, और फिर दोस्तों बात करते हैं जे की। जे को दोस्तों उन्होंने शाउट आउट भी दिया, तो वह स्कूल मिलाकर यहाँ उन्होंने सभी को कवर कर लिया था। फिर कहते हैं कि वो जानते हैं कहीं ना कहीं सारे लोग उन्हें एक्सेप्ट करें सिवाय एक बंदे के, जिस पर दोस्तों वहां सेथ रॉलिंस के नाम का गाना चलने लग जाता है। लेकिन खास चीज क्या थी यहां दोस्तों, सीएम पंक ने रॉलिंस का नेम नहीं ड्रॉप किया। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों को ये चीज देखने को मिलती है कि सीएम पंक ये चीज कहते हैं कि वो जानते हैं कि बहुत सारे लोग उनसे अपसेट है, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला, आज स्पाइसी सीएम पंक रिंग के अंदर आ रखा है। और उसके बाद दोस्तों सीएम पंक ने दोस्तों आगे दो मेन चीजें कही, पहली तो AEW से जुड़ी थी, दूसरी दोस्तों उनके फ्यूचर से। वही चीज कहते हैं कि एक बंदा जो है बैकस्टेज पंच करता आ रहा है केविन ओट्स बैकस्टेज पंच नहीं करना चाहिए रैंडमली। और ये दोस्तों रेफरेंस था उनका AEW का, क्योंकि वहां उन्होंने भी बैकस्टेज पंच किया था, आप जानते हैं सब कुछ। तो यहाँ दोस्तों पंक ने टोनी खान की सुलगा दी। और उसके बाद दोस्तों ये चीज कहते हैं कि अब मुद्दे की बात की जाए, मैं यहां आ रखा हूं ताकि मैं सबको बता सकूं कि रॉयल रंबल मुझे जीतनी है और अपनी स्टोरी फिनिश करनी है, जो कि है मेन इवेंट रेसलमेनिया। तो गाइस यहां सीएम पंक ने साफ कर दिया है कि रॉयल रंबल में उतरने वाले हैं और जीतने वाले और जाने वाले रेसलमेनिया में। अब गाइस इसके बाद और भी बहुत कुछ हुआ, बैकस्टेज पंक जाते हैं और जाकर दोस्तों वो कोशिश कर रहे थे कि वो मिल पाए निक एल्डिस से, तो ऐसे में रूम ढूंढ रहे थे, ब्लड लाइन का रूम दिखाई देता है लेकिन उसके अंदर वो नहीं जाते हैं। और आगे से आ जाते हैं ओवन से पूछते हैं क्या ये निक एल्डिस का रूम है, जिस पर वो कहते हैं नहीं। और उसके बाद पंक कहते हैं थैंक्स फॉर योर हेल्प, आगे बढ़ते हैं रूम में जाते हैं। रूम में दोस्तों निक एल्डिस से मिलते हैं, निक एल्डिस उन्हें स्मैकडाउन का भी कॉन्ट्रैक्ट थमाते हैं। जैसे पीछे मुड़ते हैं वहां आ जाते हैं कोडी रोड्स कहते हैं कि आ, तुम भी रॉयल रंबल में उतर कर जीतना चाहते हो और अपनी स्टोरी फिनिश करना चाहते, जिस पर पंक कहते हैं यस, जिस पर दोस्तों कोडी कहते हैं इंटरेस्टिंग। वेल इसके बाद दोस्तों हम लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कोडी नजर आते हैं। और गाइस इसका मतलब यह है कि WWE वाले टीज कर रहे हैं कि इन दोनों में से कौन पहले अपनी स्टोरी फिनिश कर पाएगा, देखते हैं कौन जीतेगा रॉयल रंबल। बात करी जाए दोस्तों अब अपने मेन सेगमेंट्स की, तो गाइस मेन सेगमेंट्स इसके बाद हम लोगों को ठीक देखने को मिले, जहां गाइस हम लोगों ने देखा शार्लोट फ्लेयर का मैच जो कि आस्का को फेस करी थी। मैच से पहले दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि वहां दोस्तों मिया यम एंड ज़ेलिना वेगा समेत दोस्तों बियांका अटैक कर देती है डैमेज कंट्रोल के ऊपर। और गाइस अब डैमेज कंट्रोल का कोई मेंबर नहीं था रिंग साइड पर, लेकिन एंड में बेली आ गई। बेली ने दोस्तों वहां कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट किया शार्लोट को, शार्लोट हिट करने जा रही थी आस्का को, लेकिन वो बेली को हिट कर जाती है और रोल अप लगाकर दोस्तों आस्का जीत जाती है। तो बेली ने दोस्तों कहीं ना कहीं दिल जीता है आज, बात की इसके बाद क्या हो। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा सीएम पंक रैंडी ऑर्टन एंड एलए नाइट से जाकर मिलते हैं और दोनों को शुभकामनाएं देते हैं। अब गाइस रैंडी ऑर्टन एंड एलए नाइट की एंट्री हो चुकी है, रैंडी ऑर्टन का क्या ही ओवेशन था, हर कोई चिल्ला रहा था आरकेओ। रैंडी ऑर्टन काफी कमाल के लग रहे थे। और शुरुआत में दोस्तों थोड़ी बहुत इनके बीच में नोकझोंक होती है एलए नाइट एंड रैंडी के बीच में, क्योंकि ढंग से नहीं जानते हैं वो एलए को। तो यहाँ दोस्तों टैग टू को लेकर एक दूसरे को दोस्तों ये कुछ कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों मैच शुरू होता है, मैच में दोस्तों एलए नाइट जो थे एंड में पिटने लगे, लेकिन जैसे ही रैंडी को टैग किया रैंडी ने दोस्तों अपना पुराना स्वरूप दिखाया, लगाया तगड़े वाला पावर स्लैम। और उसके बाद दोस्तों विंटेज DDT टू जिमी यूसो सोलो दोस्तों एंड में उनके आरकेओ को ब्रेक करने आ जाते हैं, लेकिन एलए नाइट उन्हें टेकआउट कर देते हैं। अब जिमी को दोस्तों जो एलए थे अपना BFT मानने वाले थे, लेकिन रैंडी ने उससे पहले ही आरकेओ लगा दिया और मैच अपने नाम कर दिया। तो रैंडी ऑर्टन दोस्तों
काफी हॉट दिखे एले नाइट को, एंड में उन्होंने नहीं मारा और एले को लग रहा था कि अभी आर के लगेगा। कुल मिलाकर दोस्तों स्मैकडाउन काफी इंटरटेनिंग थी, लेकिन एक चीज साफ हो चुकी है कि सीएम पंक जाने वाले रॉयल रंबल में, और कहीं ना कहीं रोमन रेंस को आज उन्होंने नीचा दिखाया ये कहते हुए कि पॉल हेमन पहले उनके साथ था। तो सबसे बड़ी थिंग तो यही होने वाली कि नेक्स्ट वीक द ट्राइबल चीफ द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ WWE लौटने वाले हैं। अब देखेंगे वहां वो रैंडी ऑर्टन के ऊपर शॉट लेते हैं या फिर सीएम पंक के ऊपर। वीडियो आज की तीस थी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। साथ साथ अब आप हमें इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वेल दोस्तों आज तक करें इतना ही, धन्यवाद, शबक है।